हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम बेस्ट डायरेक्टर। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने आया हूँ गुवाहाटी घूमने के लिए, क्योंकि रात को 11 बजे मैं घूम रहा हूँ, क्योंकि देखता हूँ कितना आदमी है और कितना गाड़ी भी है। पूरा रात भर ऐसे ही गाड़ी लेके घूमता है लोग, और गाड़ी लेके कहाँ जाता है मालूम नहीं है, लगता है कुछ खाने पीने का कुछ काम नहीं है, ये खाली गाड़ी चलाने का काम है। तो ऐसा ही है, या अभी मैं अभी फ्लाई ओवर का ऊपर हूँ, बहुत अच्छा सीनरी बना दिया है, क्योंकि नेशनल फ्लैग का जो कलर होता है वही कलर दिया दिया है, बहुत अच्छा हो गया। गुवाहाटी रात में 11 बजे कैसे होता है तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो दुर्गा पूजा का मौसम में है तो पूरा रात भर ऐसे गाड़ी रहता है, तो मैं भी गाड़ी भी चला रहा हूँ, क्योंकि बहुत है और पूरा अच्छा करके रख दिया है। तो पूरा सिटी में ऐसा होता है, तो आप लोग कभी भी आया है तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा का मौसम में इतना अच्छा होता है, तो आप लोग देखना है तो आप लोग को दिखाएंगे और कितना देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये पूरा गणेशगिरी रोड है। तो मैं अभी गणेशगिरी का जो भंगागढ़ होता है, तो ये भंगागढ़ पहुँचने वाला हूँ, तो आप लोग थोड़ा देखते रहे। तो चलिए दोस्तों, तो इसी तरफ भी अभी भी बहुत गाड़ी है, और मेरा इस तरफ थोड़ा कम गाड़ी है, क्योंकि बहुत रात हो गया ना, इसीलिए सब पूजा वूजा करके सब घर में जाके सो गया होगा लगता है, क्योंकि कल भी फिर पूजा है। तो आज ये दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन होगा, कल भी और बहुत आदमी होगा, क्योंकि कल भी बहुत आदमी होगा, पुरुष में तो पूरा आदमी होगा, इतना आदमी होगा क्योंकि रास्ता में पूरा जाम हो जाएगा पूरा। तो मैंने अभी गणेशगिरी ब्रिज क्रॉस किया हूँ, क्रॉस करके इसी तरफ होता है गणेशगिरी का जो रोड होता है, तो जो रोड तरफ होता है, तो इस तरफ ऐसा ही रात भर पूरा रात दिन गाड़ी चलाने बोर लगता है, क्योंकि आप लोग चलाएंगे तब तो मालूम होगा कितना कैसा लगता है। तो अगर आपने कभी भी कोई लोग चला रहा है गाड़ी है तो कमेंट कीजिए कि, और गाड़ी क्या, तो खिड़की नहीं खुल सकते गुवाहाटी में, इतना मच्छर आता है गाड़ी में, खाली मच्छर घुस जाता है, मच्छर गाड़ी में। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी दिसपुर पहुंचने वाला हूँ, दिसपुर। तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी खाली खाली है, थोड़ा अच्छे से चला रहा हूँ, नहीं तो दिन में इतना जाम होता है गाड़ी चलाने को नहीं होता है। तो दोस्तों, ये जो SBI सर्कल होता है, और यहाँ पे इसी तरफ राइट का तरफ होता है, राइट का तरफ है जो हमारे आसाम का मामा है, तो ही यहाँ से ये रात चलाता है, मतलब असेंबली है। तो अभी मैंने और एक फ्लाई ओवर पहुँचने वाला हूँ, जहाँ से जिसको नाम बोलता है दिसपुर फ्लाई ओवर। तो दिसपुर फ्लाई ओवर और कितना मस्त देखने के लिए। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से खानापारा जा सकते हैं, बेलतोला जा सकता है, और हाथीगांव भी जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी खाना पर अभी हाथीगांव भी नहीं जाऊंगा, तो हाथी साथी कुछ भी नहीं खाना है मेरा। तो मैंने अभी यहाँ कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप लोग को अगर अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वाओ कितना मजेदार हो गया है। तो इसी तरफ गया है हाथीगांव, तो ये देख लीजिए हाथीगांव तरफ चला गया है। तो मैंने अभी सीधे जा रहा हूँ दिसपुर जो डाउनटाउन हॉस्पिटल होते हैं, तो डाउनटाउन हॉस्पिटल का उधर जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, होने पर बेल दौला चढ़ी अली, बहुत लंबा ब्रिज है, क्योंकि देखने भी बहुत अच्छा है। और आप लोग को यहाँ से मिलेगा तो लेफ्ट तरफ है, तो लेफ्ट तरफ आपको मिलेगा डाउनटाउन जो हॉस्पिटल होता है। तो ये देख रहे हैं, ऊपर पूरा अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि रात को तो देखने को नहीं होता है, मोबाइल नहीं देखता है अच्छा से, हम देख सकते हैं क्योंकि हमारा आँख है ना, मोबाइल का आँख नहीं है तो नहीं देख सकते, और अभी अंधेरा हो गया। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए।
तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे दुर्गा का पूजा चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो 6 माइल ब्रिज का सामने है, इन फ्रंट ऑफ 6 माइल ब्रिज। तो अभी मैंने यहाँ से 6 माइल ब्रिज को ऊपर जा रहा हूँ, तो ऊपर से जाएंगे। ये ब्रिज और कितना मज़ेदार बना है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग अगर कभी भी आया है तो यहाँ पे आ सकते हैं और देख सकता है कितना अच्छा है। अगर मेरा वीडियो से आपको देख के अच्छा लगा तो आप भी वो भी बोलिए कितना अच्छा लगा है। तो आप लोग को मैं अभी जाऊँगा कौन सा तरफ है, आप लोग देखते रहे, क्योंकि मैं अभी इंडिकेटर लगा लेफ्ट तरफ, तो मैं ये लेफ्ट तरफ ही जाऊँगा, दूसरा तरफ भी नहीं जाऊँगा। यही होता है लेफ्ट तरफ, तो लेफ्ट तरफ जाता है ये पांजाबरी और वो जाता है खानापारा। सीधा सीधी जाएगा तो खानापारा भी पहुँच जाएगा, तो मैं खानापारा नहीं जाऊँगा, मैं पांजाबरी जाऊँगा। पांजाबरी जी से फिर तो कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, पीछे कोई भी गाड़ी नहीं है, मैं खाली अकेला हूँ और मेरे सामने एक तो बेटा गाड़ी चला रहा है। लेकिन देखा है दोस्तों, पूरा गुवाहाटी में सिटी में अकेला अकेला गाड़ी चलाता हूँ। आप लोग कौन कौन चलाता है वो कमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरा मुंह भी नहीं देख रहा है ना, आप लोग का तो मुंह देख सकता है। तो चलिए दोस्तों, और सामने मिलेगा यहाँ से कला क्षेत्र, और उस तरफ हो गया साइंस म्यूजियम। तो मैं अभी कला क्षेत्र का सामने से जाएंगे। मेरा गाड़ी का तेल लो मार दिया है, क्योंकि मेरा गाड़ी में तेल नहीं डाला है, खाली बिना तेल का चलाता हो कितना दिन चलेगा। और इस तरफ होता है युग, बहुत अच्छा करके बनाया है। तो कला क्षेत्र पहुंचने वाला हूं मैं, कला क्षेत्र। हमने सीटी मार दिया है क्योंकि मेरा सामने एक स्कूटी था, स्कूटी को साइड करने के लिए मैंने सीटी मार दिया, क्योंकि यहाँ से इसी तरफ भी दुर्गा पूजा चल रहा है, दुर्गा पूजा। और ये होता है हमारा कला क्षेत्र, तो आप सब लोग देख सकते हैं कला क्षेत्र। कभी भी गुवाहाटी में घूमने को आया है तो आप लोग कला क्षेत्र देख सकते हैं। मात्र 30 रुपया टिकट लेता है, सिर्फ 30 रुपया टिकट लेता है, ज़्यादा नहीं लेता है। तो मैंने अभी मेरा जो जहाँ पे जाना है, मेरा रूम पे जाना है, तो मेरा रूम पहुँचने वाला है, क्योंकि मेरा रूम और थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग उतना तक नहीं देखेंगे क्योंकि आप लोग बोर हो जाएगा। तो आप लोग दुर्गा पूजा का टाइम पे आया तो बहुत मज़ा होगा आप लोग को, क्योंकि दुर्गा का पूजा का टाइम पे बहुत इंजॉय करता है लोग, और हर टाइम रात दिन भर ऐसा ही होता है, बहुत आदमी रहता है, गाड़ी रहता है। तो आप लोग भी आया है तो आ सकता है। तो चलिए दोस्तों,